हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस माय ड्रीम। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में, मस्कुलर इंड्योरेंस के बारे में और मस्कुलर पावर के बारे में। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है, मस्कुलर इंड्योरेंस क्या होती है और मस्कुलर पावर क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मस्कुलर स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल, हमें जिम में किसी ने 100 kg वेट उठाने के लिए बोल दिया और उस वेट को हमने उठा दिया। एक बार के लिए ही सही, बट हमने उस वेट को उठा दिया है, चाहे हम उसको दूसरी बार ना उठा पाएँ, बट हमें मतलब है कि हमने एक बार उसको उठा दिया। हमारी मसल ने इतना फोर्स जनरेट किया है कि हम उसको एक बार के लिए उठा पाए हैं, तो उसको बोलेंगे मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर इंड्योरेंस जो होती है, अगर हम उसी वेट की रेपिटेशन लगाए, यानी कि हमने 8-10 बार ही उसको वेट को उठा दिया, उसके रेपिटेशन लगा दिया, तो उसको बोलेंगे मस्कुलर इंड्योरेंस। यानी कि एक काम को बार बार करना होता है मस्कुलर इंड्योरेंस। जैसे हम पुशअप्स लगाते हैं, 40 लगा दिए, 50 लगा दिए, 100 तक भी लगा दिए, उसको बोलेंगे मस्कुलर इंड्योरेंस, क्योंकि हम इसमें बार बार इस काम को कर रहे हैं, मसल इतना फोर्स जनरेट कर रही है कि हम उसको बार बार कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मस्कुलर इंड्योरेंस। मस्कुलर पावर, तो यहाँ पर जाता है टाइम, यानी कि हमें इतने टाइम में इस काम को करना है, इसको बोलते हैं मस्कुलर पावर। यानी कि मैं किसी पर्सन को यहाँ नीचे से सेकंड फ्लोर पर आने के लिए बोलूँ और उसको बोलूँ कि आपने सीढ़ियों से आना है, और जब वो सीढ़ियों से ऊपर तक यहाँ सेकंड फ्लोर तक आएगा, तो ये हुई उस पर्सन की मस्कुलर स्ट्रेंथ। और जब मैं उसको बोलूँ कि आपने नीचे जाके फिर से ऊपर आना है, तो ये हो जाएगी उसकी मस्कुलर इंड्योरेंस। और जब मैं उस पर्सन को बोलूँगा कि आपने इतने टाइम में नीचे जाके फिर से ऊपर आना है, तो ये हो गई है उसकी मस्कुलर पावर। तो इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मसल स्ट्रेंथ क्या होती है, मसल पावर क्या होती है और मसल इंड्योरेंस क्या होती है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.